के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जय उर्वरक प्रोत्साहन अभियान के तहत किसान संगोष्ठी का आयोजन। ओम प्रकाश राजभर की टिप्पणी से शुद्ध होकर सपा कार्यकर्ताओं ने जताया रोष। सावन के अंतिम व आठवें गुरुवार को भगवान बृहस्पति का हिम श्रृंगार। और भगवान झूलेलाल के 40वां महोत्सव का समापन। 40वें दिन झूलेलाल मंदिर में भजन कीर्तन का भव्य आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। जय उर्वरक प्रोत्साहन अभियान के अंतर्गत चांदपुर स्थित केंद्र परिसर में एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संभागीय कृषि प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र वाराणसी द्वारा जय उर्वरक प्रोत्साहन अभियान के अंतर्गत चांदपुर स्थित केंद्र के परिसर में एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि वाराणसी मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक SN रहे व संचालन डॉक्टर दुर्गेश सिंह ने किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कृषि विशेषज्ञ कमलेश श्रीवास्तव, कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी, जिला कृषि अधिकारी संगम मौर्य, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा मौजूद रहे। राजनीतिक बैक्टीरिया होता हमारी जो खराब है, जैसे अभी आप होते हैं इस समय, अगर आप उनकी निराई करते हैं जड़ के पास अगर पैर पड़ जाता है आपका तो अरहर सूख जाती है। कितने लोग जानते हैं इस बात को जो मैंने बताया अभी अरहर के संबंध में? अब बताइए, मान लो 3 लोग जानते थे तो कितनी जानकारी आप लोगों को है इससे पता चलता है, क्योंकि इसमें इतने हाइड्रोजन के नॉलेज होते हैं और जहाँ उसमें अगर नम जमीन है आपने पैर बगल में रखा अरहर के तो वो जो है जमीन दबती है। धर्म की नगरी काशी में पहली बार एक अनूठा फिल्म महोत्सव यानी रशियन फिल्म महोत्सव का 25 से 27 अगस्त तक आयोजन होने जा रहा है। बनारस शहर हमेशा से ही अपनी संस्कृति भव्यता के लिए जाना जाता रहा है। बनारस की गौरवशाली संस्कृति, विरासत और इतिहास से पूरी दुनिया वाकिफ है। अब इसी अनूठे शहर में एक अनूठा फिल्म महोत्सव यानी रशियन फिल्म महोत्सव का आयोजन आगामी 25 से 27 अगस्त तक किया जा रहा है। यह आयोजन बनारस में पहली बार हो रहा है। 25 से 27 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन को सिनेमा घर के ऑडिटोरियम 3 में दिखाया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में अब तक 30 से ज्यादा देशों ने रूसी फिल्म मौसम को या तो होस्ट कर चुका है या फिर इन देशों ने अपने फिल्म महोत्सव में रूसी फिल्मों को शामिल किया है। ऐसे में भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, मध्य पूर्वी देशों का भी शुमार है। अब तक 160 पिक्चर फिल्मों का प्रदर्शन किया जा चुका है। उद्देश्य बहुत बड़ा है, वो ये है कि रशिया एक वाहिद कंट्री है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा और सबसे पुराना दोस्त है। तो पहले तो ये है कि हमारे इंडियन कल्चर को वहाँ अपना रशिया में कैसे प्रमोट कर सकें और रशियन फिल्मों के द्वारा वहाँ का कल्चर कैसे प्रमोट किया जाए, इसके बारे में जो है हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया। तो हम लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला कि सबसे पहले कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम चलाएं जो कि फिल्मों के माध्यम से ही कर सकते हैं। दूसरा, इंडिया जो है फिल्म ग्लोबली पूरी दुनिया में दिखाई जाती है और पूरी दुनिया में सराही जाती है, तो हमारी फिल्में वहाँ पर रिलीज़ हों और वहाँ की फिल्में यहाँ पर रिलीज़ हों और हमारा जो है ना एक आर्थिक रूप से जो है हम दोनों को सहायता कर सके, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर द्वारा की गई टिप्पणी से क्षुब्ध होकर सपा कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन देने जिला मुख्यालय पहुंचा। ओम प्रकाश राजभर द्वारा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर की गई तथाकथित टिप्पणी से क्षुब्ध होकर सपा कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही सपा नेत्री पूजा यादव ने कहा कि जोहराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर गैर जिम्मेदाराना, अमर्यादित, अभद्र एवं यादव समाज पर चिन्हित कर लगातार टिप्पणी की जा रही है जिससे यादव समाज मर्माहत है। ओम प्रकाश राजभर जी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए पूर्व के दिनों में भी वह ऐसे कृत्य करते रहे हैं और अभी तक बाज नहीं आ रहे हैं या सुर्खियों में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर अनगल बयानबाजी करते रहते हैं। अब वह अपनी घृणित राजनीति एवं दल बदल मानसिकता के शिकार हो गए हैं।
अति महत्वाकांक्षा से ग्रसित होकर अनगढ़ टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे बयानों से कभी भी आपसी टकराव बढ़ सकता है, अनहोनी अप्रिय दुर्घटना घट सकती है। लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर, और उन्होंने खास करके ओम प्रकाश राजभर ने जिस प्रकार से बोला है कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो अपनी जिस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हैं उस पर तुरंत माफीनामा लिख के दें पूरे यादव समाज को, और नहीं तो ये विरोध और बड़ा विरोध के रूप में काशी ये संसदीय क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो ये यहाँ से बिगुल बजेगा जो दिल्ली के तख्त तक सुनाई देगा। चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न चारों ओर मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गंगापुर इंटर कॉलेज के छात्रों द्वारा वैज्ञानिक बधाई यात्रा निकाली गई। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का जश्न लोगों ने गुरुवार को भी मनाया। इस क्रम में गंगापुर इंटर कॉलेज के छात्रों ने वैज्ञानिक बधाई यात्रा निकाली। इस दौरान छात्रों ने 75 मीटर लंबा तिरंगा और राष्ट्रीय ध्वज हाथों में ले रखा था। छात्र जीत रहे हैं, जीतेंगे, आज हमारा है कल हिंदुस्तान का, के नारे भी लगा रहे थे। यह वैज्ञानिक स्वागत यात्रा गंगापुर इंटर कॉलेज से प्रारंभ हुई, जो नगर पंचायत गंगापुर बाजार से होते हुए पुनः गंगापुर गढ़ में आकर समाप्त हुई। इस स्वागत यात्रा में एनसीसी इकाई के साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष गंगापुर के प्रतिनिधि संतोष सेठ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अश्विनी सिंह तथा छात्र उदय पटेल, प्रेमचंद, अभिषेक, अनुराग, गरिमा, स्नेहा, संजना, मुस्कान सहित अन्य छात्र छात्राएं भारी संख्या में शामिल रही। बधाई संदेश यात्रा निकाला कि जो चंद्रयान 3 की वैज्ञानिक सफलता है, हमारे देश के वैज्ञानिकों को मिला है, उन तक यह संदेश पहुंचे कि हम भारत के किसान, नौजवान, ग्रामीण क्षेत्र की जनता, उनके बच्चे, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, शिक्षक, छात्र, उनके अभिभावक, सब लोग इस वैज्ञानिक सफलता पर अभिभूत है। इसके पूर्व बुधवार को लोग चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पूरी तरह से जश्न में डूबे रहे। भाजपा युवा मोर्चा के नेता शिशिर सिंह उर्फ विक्की ने अपने समर्थकों के साथ पांडेपुर चौराहे पर जश्न मनाया। इस दौरान भारत माता की जय का गगनभेदी उद्घोष लगाया गया, साथ ही हाथों में तिरंगा फहराकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। हमारे देश में बहुत ही मतलब उत्साह के साथ और मिठाइयों बांटकर, पटाखे छोड़कर, ढोल नजारों के साथ, तिरंगा हाथों में लेकर, भारत माता की जय, जय जवान, जय हिंदुस्तान का नारा लगाकर, जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान का नारा लगाकर सारे लोग में इतना उत्साह है कि आप लोग को पांडेपुर चौराहे पे हम लोग ये दिखाना कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी खुशी और कितना गौरव फील कर रहे हैं हम लोग। सावन के अंतिम गुरुवार को दशाश्वमेध स्थित बाबा बृहस्पति देव का हिम श्रृंगार किया गया। श्रावण मास के अंतिम व आठवें गुरुवार को श्री देव गुरु बृहस्पति भगवान का हिम श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात देवगुरु का अर्धनारीश्वर स्वरूप दिव्य झांकी का आयोजन किया गया। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति भगवान का पंचामृत स्नान 11 ब्राह्मण वैदिक मंत्रों द्वारा किया गया। स्वर्ण मुखौटा व छत्र चांदी के अष्ट धातु के साथ बाबा को पालने पर सब परिवार साथ विराजमान किया गया। मुख्य द्वार को अशोक की पत्ती, कामनी पत्ती एवं रंग बिरंगे कपड़ों एवं रंग बिरंगे बर्फ की सिल्ली से सजाया गया। विद्युत झालर की साज सज्जा पूरे प्रांगण में कराई गई। प्रातः काल 4 बजे से मंगला आरती, अजयगिरी एवं शयन रात्रि 1 बजे संपन्न कराई गई। अभिषेक गिरी और अभय गिरी द्वारा भोर की आरती रुद्राभिषेक के साथ संपन्न की गई, जिसमें गिरी परिवार द्वारा भोग प्रसाद वितरण किया गया। सायं 7 बजे वाराणसी एवं उत्तर प्रदेश के कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। गुरु बृहस्पति का अर्ध नागेश्वर स्वरूप जो है पालने पर विराजमान किया गया है। 4 बजे भोर में भगवान को जो है नूतन वस्त्र धारण कराते हुए 11 वैदिक मंत्रों द्वारा जो है इनका जलाभिषेक किया गया। उसके पश्चात जो है अनेक प्रकार के मालाओं, फूल, छाक, सज्जा से बाबा को जो सुशोभित पालने पर विराजमान किया गया, जिसमें बाबा का अर्ध नागेश्वर स्वरूप जो है इनका जो है झांकी भक्तों के लिए खोला गया। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमारा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गए तो हम बोलब ना सीधा ठोकब।
डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा है। रितेश पांडे काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। प्रजातंत्र प्रोड्यूसर सुभाष यादव डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 ghanta mein woh ladka agar hamara naam le le तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गए तो हम बोलब ना सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा रितेश पांडे काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। प्रजातंत्र प्रोड्यूसर सुभाष यादव डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। सच के साथ और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने सारनाथ स्थित सारंगनाथ महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने उत्तरी सभा क्षेत्र के सारनाथ स्थित सारंगनाथ महादेव मंदिर में गुरुवार को रुद्राभिषेक एवं पूजन अर्चन किया। उन्होंने बताया कि उत्तरी विधानसभा वाराणसी क्षेत्र अंतर्गत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण मास में बाबा सारंगनाथ महादेव मंदिर सारनाथ में उत्तरी विधानसभा के क्षेत्रवासी संगठन पदाधिकारी पार्षद वरिष्ठ नागरिक प्रबुद्धजन व देवतुल्य कार्यकर्ता गणों के साथ पूरे हर्षोल्लास से बाबा का दर्शन पूजन व रुद्राभिषेक किया गया। वह 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत के लिए बाबा से प्रार्थना की गई। पूजन उत्सव के पश्चात भक्ति संगीतों का आनंद लेते हुए लोगों ने बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी लोगों को धन्यवाद दिया। बीएचयू के संगीत और मंच कला संकाय में काशी संसद संस्कृति महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संगीत और मंच कला संकाय में काशी संसद संस्कृति महोत्सव के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 4 दिवसीय प्रतियोगिता 22 अगस्त से 25 अगस्त तक प्रस्तावित विधाओं की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें गायन वादन और नृत्य तीनों ही विधाएं हैं और उनमें उप विधाएं शामिल की गई, जिसमें शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य की प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें कथक भरतनाट्यम ओडिसी लोक नृत्य प्रचलित स्थानीय और हिमालयी लोक नृत्य की प्रतिस्पर्धा हुई। इसके साथ ही वादन की भी प्रतियोगिता हुई, जिसमें स्वर वाद्य सितार वायलिन बांसुरी शहनाई गिटार सारंगी हारमोनियम शामिल रहे। तत्पश्चात ताल वाद्य की प्रतियोगिता हुई, जिसमें तबला पखावज मृदंग घटम शामिल रहे। संगीत और मंच कर संकाय के डॉक्टर ज्ञानेश्वर पांडे ने बताया कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में छुपी हुई प्रतिभा को निखारना
तथा कला एवं संस्कृति की तरफ उनके व्यक्तित्व को तराशना है। यह आयोजन काशी संसद संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभागियों प्रतिभागी के रूप में विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें गायन वादन नृत्य तीनों सम्मिलित है। ये कार्यक्रम 22 से 25 अगस्त तक जो है आयोजित किया जाना है। आज 24 तारीख को स्वर वाद्य के अंतर्गत सितार, वायलिन, बांसुरी, शहनाई, गिटार, सारंगी, हारमोनियम वाद्यों के ऊपर सभी प्रतिभागी जो भी हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद ताल वाद्य की शुरुआत होगी, जिसमें तबला, पखावज, मृदंगम और घटम की प्रतियोगिता होगी। तत्पश्चात लोक वाद्य के अंतर्गत डफला, नगाड़ा, दुक्कड़, ढोल, ढोलक, नाल, ताशा आदि का प्रदर्शन, जितने भी यहाँ प्रतिस्पर्धा के लिए आए हुए प्रतिभागी हैं वे करेंगे। और साथ ही यहाँ नृत्य की भी प्रस्तुति चल रही है, शास्त्रीय नृत्य जिसके अंतर्गत कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी, और लोक नृत्य जिसमें कि स्थानीय प्रचलित शैलियाँ और हिमालय की लोक नृत्य शैली की प्रस्तुति होनी है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, लगभग 250 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है। और जिला प्रशासन की तरफ से और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सम्यक प्रयास से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथ ही हमारे ये इस कार्यक्रम के जो मेन सूत्रधार हैं हमारे माननीय सांसद महोदय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी दूरदर्शिता से ही आज भारत वैश्विक स्तर पर अपनी कीर्तिमान रच रहा है। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप महाविद्यालय के बीबीए बीसीए के प्रथम वर्ष छात्र छात्राओं का परिचय समारोह आयोजित किया गया। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप महाविद्यालय में बीबीए बीसीए के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का परिचय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व गणेश वंदना के साथ शुरू हुआ। छात्र परिचय समारोह के अवसर पर संस्था के चेयरपर्सन डॉक्टर अंशु सिंह ने अपने संबोधन में चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों का यह बेहद प्रशंसनीय कदम है। कोरोना के बाद उपजी स्थितियों ने शिक्षण व्यवस्था को ऑनलाइन मोड में लाकर रखा है और आज के इस दौर में पूरा विश्व भारत की ओर एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है। और उन्होंने नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बीसीए विभाग के विभागाध्यक्ष विक्रम प्रताप सिंह ने कहा कि विद्यार्थी न सिर्फ उज्ज्वल भविष्य को बनाए बल्कि बीते कल से सीख लेते हुए भविष्य में नए ज्ञान की सीमा को भी बढ़ाएं। बीबीए विभाग के विभागाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर भारतीय ज्ञान परंपरा को आत्मसात करने की नसीहत दी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह छात्रों को संबोधित करते हुए बोले कि शिक्षक आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित कर विद्यार्थियों में वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करे। संबंधित निदेशक शैलेश त्रिवेदी ने कहा कि सभ्य समाज का निर्माण शिक्षक द्वारा ही संभव है। कार्यक्रम का संचालन मृदुल श्रीवास्तव ने किया व अतिथियों का स्वागत अलका सिंह, आयुषी यादव और स्मिता सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अमित कुमार सिंह और भूपेन भारद्वाज ने किया। इस अवसर पर राम नरेश यादव व उप प्राचार्य सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। कैंपस के बीबीए और बीसीए में आपने एडमिशन लिया है, मेरी सभी के प्रति भी शुभकामनाएं हैं। आज एक भारतवर्ष ने एक अचीवमेंट किया है जो चंद्रयान का, तो वो क्या दिखाता है कि हम अगर किसी चीज को टारगेट को निश्चित कर लें तो हम जरूर पा लेंगे। भगवान झूलेलाल के चालीसा महोत्सव का भव्य समापन 40वें दिन झूलेलाल मंदिर में भजन कीर्तन के साथ संपन्न हुआ। झूलेलाल साईं जी के चालीसा महोत्सव के अंतर्गत आज 40वें दिन सिंधी समाज की कुलदेवी भव्य माता चौकी के तहत भजन कीर्तन का आयोजन पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के द्वारा किया गया। माता की चौकी में ज्योति भजन मंडलीय द्वारा भक्ति गीतों से समा बांधा, देवी माँ भजनों पर झूमने को सभी श्रद्धालु महिलाएं मजबूर हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में सिंधी समाज के महिला, पुरुष व बच्चों ने माता के दरबार पर हाजिरी लगाई। इस दौरान झूलेलाल मंदिर लक्सा में भव्य सजावट की गई थी। इस आयोजन में आए सभी भक्तजनों का स्वागत सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष ओपी बदलानी ने किया। इस आयोजन में विशेष सहयोग अनिल महाराज, सुशीला खत्री, सुरेंद्र लालवानी, गोविंद कृष्णानी, श्रीचंद पंजवानी, शंकर विश्नानी, चंदन रूपाणी, महेश आहूजा, मनोज लखमानी, दिलीप मोटवानी, अजय रुपेजा, दिलीप इसरानी एवं अन्य शामिल रहे। श्रद्धालु जनों हेतु भंडारे का आयोजन पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के तत्वाधान में किया गया। 40वें दिन हम सब लोग एक दूसरे से प्रार्थना किए कि हे प्रभु,
हम सभी समाज में सिंधी भाई का आपस में प्रेम प्यार एकता जो बहुत जरूरी है वो बनी रहे, आपस में गले मिला करके एक दूसरे को बधाई लोगों ने दिया है। और कल का जो कार्यक्रम है, कल शाम को ठीक 4:15 बजे पूर्ण आहुति के लिए हवन का आयोजन किया गया है। समाज के सभी बंधु लोग आएंगे और पूर्ण आहुति दे करके ठीक 7:15 बजे जो यहाँ नियमित आरती है 6:45 पे चालू हो करके 7 बजे वो खत्म हो जाती है। 7:15 बजे एक महाशोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी जो 8:00 बजे तक 8:15 बजे वो समाप्ति होगी। 9 बजे यहाँ पे भंडारा चालू हो जाएगा। वेमुरी श्री रामचंद्र मूर्ति कुसमांबा मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम तारक आंध्रा आश्रम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर 23 बच्चों के 1 वर्ष की फीस का खर्च उठाया गया। गुरुवार को वेमुरी श्री रामचंद्र मूर्ति कुसुमांबा मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम तारक आंध्रा आश्रम के द्वारा गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए सोनारपुरा स्थित दुर्गा चरण गर्ल्स इंटर कॉलेज में 23 बच्चों के पढ़ाई का जिम्मा उठाया गया, जिसके तहत इन 23 बच्चों के 1 साल की फीस लगभग 50,295 का चेक कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा एवं कॉलेज के मैनेजर देवाशीष दास को प्रदान किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर वीवी सुंदर शास्त्री ने कहा कि जितने बच्चे की फीस दी जा रही है उसमें जो बच्चे 80% के ऊपर अंक लाएंगे उनको संस्था की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे बच्चों का उत्साहवर्धन हो। इस अवसर पर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी व सुंदर शास्त्री, ट्रस्टी वीवी सीताराम, वी उमा, अनुपम भट्टाचार्य, आशीष टंडन, संतोष कुमार, कृष्ण प्रहलाद आदि लोग मौजूद थे। वेमुरी श्री रामचंद्र मूर्ति कुसुमांबा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा आज सोनारपुरा स्थित दुर्गाचरण गर्ल्स इंटर कॉलेज में लगभग 23 बच्चों का हमारे ट्रस्ट की ओर से 1 साल तक का फीस, जो कि गरीब बच्चे हैं वो अपना फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनका 1 साल का फीस अपने ट्रस्ट की ओर से आज प्रधानाचार्य श्री पद्मजा शर्मा जी को एवं कॉलेज के मैनेजर श्री देवाशीष दास जी को चेक प्रदान किया गया। आज बच्चों लोग का एक ही उद्देश्य हम लोग का है कि बच्चों लोग अच्छे पढ़ लिख कर उन्नति की ओर करें, भविष्य में और उचित पद पर आए, यही हमारा उद्देश्य है। गरीब बच्चों को फीस की वजह से वंचित नहीं होना पड़े, इस उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इस ट्रस्ट के द्वारा कॉलेज में बच्चों को फीस जमा किया गया है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। सच के साथ।